दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भी जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमारे डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे जो भी हम अकाउंटिंग वर्क मेंटेन करते हैं और अकाउंटिंग कंप्लीट होने के बाद जो भी हम हमारी रिपोर्ट्स हम सॉफ्टवेयर में देखते हैं, जैसा कि हमें परचेज रिपोर्ट या सेल रिपोर्ट देखने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम यूज़ करते हैं, या फिर हमारी आउटस्टैंडिंग्स रिपोर्ट सभी को देखने के लिए, सैंडी डेप्टर्स की रिपोर्ट देखने के लिए, चाहे वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस की रिपोर्ट देखने के लिए हम बैलेंस शीट पे जाके हम देख लेते हैं। तो अब अगर हमें इन सभी रिपोर्ट्स को अगर हम हमारे मोबाइल फ़ोन पर देखना चाहें तो हमें इसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? तो दोस्तों वैसे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ने अपना जो 2.0 रिलीज है वो फाइनली अब लॉन्च कर दिया है, तो उसी में उन्होंने कंपनी ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है कि टेली प्राइम रिपोर्ट्स इन ब्राउजर, यानी कि जो भी रिपोर्ट्स हम हमारे डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पर हम देख सकते हैं वो सारा का सारा रिपोर्ट्स हम अब हमारे मोबाइल फ़ोन पर भी हम देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सारी बातें प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे भी आपको अगर जो भी टेली का डाटा है आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी सेटिंग है जो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो सारा प्रैक्टिकली है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ पर ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनसुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ही वीडियो। तो दोस्तों हमारी टेली प्राइम की कंपनी के डाटा को मोबाइल पर एक्सेस करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन, आपके पास एक वैलिड मतलब सीरियल की होनी चाहिए, जैसा कि हमारे पास है। ये जो वर्किंग है जो मोबाइल फ़ोन पर व्यू देखने का जो तरीका है ये एजुकेशनल मोड पर वर्क नहीं करेगा, इसके लिए आपके पास सीरियल की होना जरूरी है, यानी कि एक वैलिड लाइसेंस होना जरूरी है। और सेकंड, अब आपके सिस्टम के ऊपर जो इंटरनेट है वो भी ऑन होना जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपके पास टेली प्राइम है जो अभी तक 2.0 में आपने अपडेट नहीं किया है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने के लिए आप यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प का, आपको हेल्प पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर अपग्रेड का। अगर आप अपग्रेड पर क्लिक करोगे और उसके बाद में अब जैसा कि मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल ये अपडेट रिलीज है टेली प्राइम रिलीज 2.0, अगर यहाँ पे के पास 2.0 बीटा वर्जन में है या फिर 1.14 पुराना वर्जन है तो आप सबसे पहले इसको अपडेट कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पर रिलीज शो नहीं हो रहा है तो आपको F12 प्रेस करना है और उसके बाद में शो ऑल रिलीज पर आपको क्लिक करके अगर आपके पास ये ऑप्शन नो आ रहा है तो आप इसको यस कर दोगे। तो जैसे हम यस करेंगे तो आपके पास जो लेटेस्ट होगा जो भी रिलीज है उसका नाम यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा। तो अभी तो मेरे पास बिल्कुल लेटेस्ट है, 2.0 है, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है अभी लेटेस्ट रिलीज है। तो ये भी आपको तभी शो करेगा अगर आपके सिस्टम पे इंटरनेट ऑन है। तो अब हम बात करते हैं भी हम जो भी हमारी कंपनी है उस कंपनी को मोबाइल पर देखने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा पहले डेस्कटॉप या लैपटॉप पे जाके। तो दोस्तों सबसे पहले हम हमारी कंपनी को यहाँ पर कनेक्ट करवाना पड़ेगा। तो कनेक्ट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा कंपनी का, कंपनी पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में ऑप्शन आपको दिखाई दे देगा यहाँ पर कनेक्ट का, तो आपको इस पर कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम इस पर कनेक्ट करेंगे तो लिस्ट ऑफ कंपनी आपको यहाँ पर दिखाई दे देगी भी आप कौन सी कंपनी को अपने मोबाइल पर व्यू करना चाहते हो। तो हम इसको मोबाइल पर व्यू देखने के लिए भावना ट्रेडर्स पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ ये प्रक्रिया करेगा और उसके बाद में यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, ये स्टार के साथ सी लगा आएगा और यहाँ पर लिखा होगा कनेक्टेड फॉर ऑनलाइन एक्सेस, यानी कि अब इस कंपनी को आप ऑनलाइन देख सकते हो अपने मोबाइल पर। और उसके बाद में आपको इस कंपनी के आगे यहाँ पर भी सी लिखा आ जाएगा, यानी कि अब ये कंपनी अब ऑनलाइन आपके ब्राउजर पर जा चुकी है, आप इसे मोबाइल पर देख सकते हो। आप मोबाइल पर भी देख सकते हो या अगर आपके पास मान लीजिए कोई सिस्टम है लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है लेकिन उसमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उसको वहां पर भी ब्राउजर पर जाकर इसको देख सकते हो। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपके पास जो टेली की जो नेट आईडी होती है उसमें जो हम ईमेल आईडी यूज करते हैं वो आईडी आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे आपके मेरे पास यहाँ पर एक सीरियल की है, ये लाइसेंस वर्जन है ये जो कि हमारा एक वैलिड लाइसेंस है, तो ये सही तरीके से मोबाइल पर अब ये वर्किंग करेगा। तो सबसे पहले आपको .net ID, आपको ईमेल एड्रेस और उसका पासवर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मोबाइल पर देखने के लिए टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। अब इसको हम मोबाइल पर किस तरीके से देखेंगे इसके लिए हम चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब उस कंपनी को मोबाइल पर देखने के लिए हमें गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक वेबसाइट टाइप करनी है
tellysolution.com के नाम से। और उसके बाद में यहाँ पर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे से यहाँ पे tally.net ID और पासवर्ड पूछेगा। तो हमें ID में वही ईमेल एड्रेस डालना है जो हमने tally.net पे रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मेरी मेल आईडी को और उसके बाद में यहाँ पर हम पासवर्ड को डाल देंगे। और उसके बाद में हम यहाँ से करेंगे लॉगिन पर क्लिक। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में अभी आप देख रहे हो यहाँ पर भावना ट्रेडर्स और कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया। और यहाँ पर आप बराबर में देख रहे हो सीरियल नंबर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये सारी लिस्ट है, जो बैलेंस शीट है चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर अब दिखाई देगा। और अभी आपके सामने प्रेजेंट टाइम में कौन सी कंपनी ओपन है ये देखने के लिए हम आपके पास यहाँ पर आपको ये 3 लाइन्स आपको दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये कंपनी नेम है भावना ट्रेडर्स। तो आपको मैं हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाता हूँ जो हमारी की भावना ट्रेडर्स ही ओपन है। तो आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाता हूँ, दोनों डाटा हम बिल्कुल साथ में लेके चलेंगे। इसको पूरा आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास जो कंपनी है वो भी भावना ट्रेडर्स के नाम से। तो यहाँ पर आपका ये कनेक्टेड है जो वो लिखा हुआ ना जरूरी है। तो अब आपके मोबाइल में भी नेट होना जरूरी है और आपके सिस्टम जो भी आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो उसमें भी इंटरनेट होना जरूरी है। तो हम दोनों रिपोर्ट्स को हमारे PC के साथ और हमारे मोबाइल स्क्रीन के साथ, दोनों के साथ हम इसको मैच करके देखेंगे और हम कुछ अपडेट भी करेंगे तो क्या देखेंगे हमारे मोबाइल में साथ के साथ अपडेट होता है या नहीं होता है। तो वापस हम इसको कर लेते हैं ऑन इसको। तो उसके बाद में हम यहाँ से इसको बैक भी कर लेंगे। तो बैक करने के बाद वापस हम कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी रिपोर्ट्स आ गई सारी। अब इन सभी रिपोर्ट्स को देखने के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है चाहे आप डे बुक भी इसमें देख सकते हो, सब कुछ आपको रिपोर्ट्स इसमें दिखाई देगी। बस आपको अभी तक किसी के अंदर टैक्सेशन की जो भी रिपोर्ट्स है वो अभी शो नहीं होगी, उसका अभी कंपनी पे वर्किंग है जो चल रही है। जैसे कि हमारी कोई GST की रिपोर्ट है या चाहे TDS की रिपोर्ट्स है या TCS की, वो अभी इसमें शो नहीं होगी। केवल हमें हमारी जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है जैसे कि हमारी कस्टमर की आउटस्टैंडिंग वगैरह, स्टॉक समरी हम देख सकते हैं, लेजर वाउचर देख सकते हैं, डे बुक देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं इसमें। अब मान लीजिए जैसे कि हमें हमारी सेल चेक करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें चेक करना है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर हम क्लिक करेंगे तो अभी आप देख रहे हो इसके अंदर जो हमारा फंक्शन है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। भी हम चाहते हैं भी जैसा कि हमें हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई देता है उस तरीके से दिखाई दे, तो हम इसको वर्टिकल चेंज में इसे कर देंगे। तो इसके लिए हम उस ऑप्शन को ऑन कर लेंगे जो कि हमारा ऑटो रोटेट का ऑप्शन होता है। अब इसमें हम करेंगे तो आपको जो सेल की रिपोर्ट है आपको देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अभी आप इसके अंदर जो सेल के अमाउंट आप देख रहे हो, जो सेल के अमाउंट है वो 6,628 रुपये आपको दिखाई दे रही है। और अगर हम इसकी हमारे डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप में भी हमारी जो रिपोर्ट्स है वो कुछ इतनी ही दिखाई देगी। हम इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करेंगे तो अब इसके अंदर जो हमारी जो सेल है उसको भी हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो अभी देख रहे हो यहाँ पर भी हमारी 6,628 रुपये की सेल है। अगर हम इसके हमारे मोबाइल की अगर देखें तो मोबाइल के अंदर भी हमारी कुछ यही रिपोर्ट्स हमें शो हो रही है। तो इसकी भी रिपोर्ट्स हम आपको दिखा देता हूँ, ये देखो 6,628 रुपये। तो हम इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं हमारे डेस्कटॉप पर तो फिर देखते हैं हमारी मोबाइल पे अपडेट होता है कि नहीं होता। हम कोई सेल इनवॉइस को हम ओपन कर लेंगे और उसके बाद में मान लीजिए जैसे कि हमारे पास एक केस का इनवॉइस ही है, हम इसको 2 पीस की जगह हम इसको कर देंगे 3 पीस और इसका जो रेट है हम यहाँ पे 350 रुपये कर देते हैं। इंटरफेस करते हैं हम इसको, वाउचर को करेंगे यहाँ से सेव। तो अभी आप देख रहे हो हमारी जो सेल है हमारे PC में कुछ चेंजिंग हो गया है सेल का, जूम करके हम दिखा देते हैं आपको। 7,014 रुपये की सेल आपके को यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अभी अगर हम मोबाइल की अगर बात करें तो मोबाइल में अभी तक ये डाटा अपडेट नहीं हुआ है। अभी हम देखते हैं इस मोबाइल में भी, तो मोबाइल में आप देख रहे हो अभी तक 6,628 रुपये आपको शो कर रहे हैं। तो लेकिन जैसे हम इसको वापस बैक जाएंगे, हम इसके अंदर बैक जाते हैं
और वापस बैक जाएंगे और इस पे हम करते हैं वापस कनेक्ट पर क्लिक, और वापस हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, और प्रॉफिट ने इसको वापस हम इसको एंगल चेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो इसके अंदर जो सेल की अमाउंट है अब आपको भी यहाँ पर भी 7014 रुपये शो हो गई है, और जो हमारे डेस्कटॉप पे है वो भी आप देख रहे हो यहाँ पर 7014 रुपये की अमाउंट ही आपको शो हो रही है, और आपके मोबाइल में यानी कि हम जो भी चेंजिंग करें वो साथ के साथ हमारे मोबाइल के ऊपर भी हमें सब कुछ है जो चेंज हुआ दिखाई देगा। तो हम इसके अंदर सभी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, सेल इनवॉइस भी हम देख सकते हैं, जैसा कि हमारी ये सेल रिपोर्ट है, हम सेल पर क्लिक करते हैं मोबाइल में, और ये हमारी GST की सेल है, हम GST सेल लेजर पर क्लिक करते हैं, और उसके बाद में हमारी जो सेल है जैसे कि हमने जुलाई मंथ में सेल का डाटा लिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद में जिन जिन कस्टमर को हमने सेल इनवॉइस किया जैसे कि राम एंड कंपनी है और इसके अंदर हमारा सेल इनवॉइस नंबर 1 है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो सेम हमारा वो जो सेल का इनवॉइस है वो मोबाइल में ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, आप इस यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आप एक्सेल में कर सकते हो, चाहे आप इसको PDF में भी कर सकते हो, ताकि आप अपनी जो रिपोर्ट्स है वो आप अपने कस्टमर को डायरेक्टली यहीं से भी सेंड कर सकते हो। अगर हम इसको PDF में ले तो हम इसको डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा, इस पर क्लिक कर दिए, और उसके बाद में हम इसको वापस स्क्रॉल करेंगे, और उसके बाद में आप देखो वाउचर डिस्प्ले, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको कुछ PDF में ये इस तरीके से दिखाई दे देगा, जैसा कि हम हमारे मोबाइल से जो हमारे डेस्कटॉप से जो हम कस्टमर को इनवॉइस इशू करते हैं सेम वही फॉर्मेट आपको अपने मोबाइल पर भी शो हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से इस कस्टमर को व्हाट्सएप या फिर ईमेल भी कर सकते हो। तो वापस हम चलते हैं हमारी साइट पे, तो वापस बैक चलते हैं यहाँ से, और बैक जाने के बाद हम चलते हैं हमारी अदर रिपोर्ट्स पर, और जैसे जैसे हम बैक आते रहेंगे बैक स्पेस से, और उसके बाद हम बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, बैलेंस शीट में सारा डाटा हमें शो हो जाएगा, आप यहाँ पर देख रहे हो सेम वही डाटा जैसा कि हमें हमारे डेस्कटॉप पे दिखाई देता है, हमें कैपिटल अकाउंट्स है या फिर करंट एसेट पर हम क्लिक करते हैं तो करंट एसेट में सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ये आपके सैलरी डेब्टर्स कितने हैं, कैश इन हैंड आपके पास कितना है, बैंक बैलेंस कितना है। तो अभी आप देख रहे हो हमारे पास जो कैश इन हैंड है, अभी जो आपके स्क्रीन मोबाइल पर हमें जो दिखाई दे रहा है वो 42,030 रुपये और 99 पैसा आपको दिखाई दे रहा है कैश इन हैंड का। ओके, अगर हम इसके डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप में भी हमें कुछ यही दिखाई देगा, हम चलते हैं इसमें बैलेंस शीट पर, हम इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो आप यहाँ पर भी कैश इन हैंड जो देख सकते हो, इसको भी हम थोड़ा सा जूम करेंगे, तो यहाँ पर भी आप कैश इन हैंड की रिपोर्ट 42,030 रुपये और 99 पैसा आपको दिखाई दे रही है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर इसमें कुछ भी हम चेंजिंग करेंगे, मान लीजिए हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर एंटरप्राइज करेंगे और यहाँ पे 10 की जगह अगर हम यहाँ से 20 रुपये इसको कर देते हैं तो कैश इन हैंड अब हमारा जो डेस्कटॉप पर जो कैश इन हैंड है वो अभी आप देख रहे हो 42,040 रुपये और 99 पैसा हो गया है, लेकिन अभी ये मोबाइल में अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ इसको भी हम देखेंगे। तो हम चलते हैं मोबाइल पर, दोस्तों मोबाइल पर अब हम देखते हैं इसको, वापस हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, लेकिन अभी आप करंट एसेट पर हम देखेंगे, क्लिक करेंगे वापस, तो अभी यहाँ पर आपका कैश इन हैंड देख रहे हो जो हमारा 42,040 रुपये 99 पैसा, यानी कि अब साथ के साथ ही जैसे हम इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे वो सारा का सारा डाटा हमारा इसके मोबाइल के व्यू पर भी ब्राउज़र पर भी अपडेट होता रहता है, और हम इसको डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे भी सारी रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं। हालांकि अब इसके अंदर जो हमारी टैक्सेशन की जो रिपोर्ट्स हैं जैसे कि हमारी कोई GST की रिपोर्ट्स है या TDS की रिपोर्ट है वो अभी मोबाइल पर आपको शो नहीं होगी, उस पर अभी कंपनी की तरफ से जो वर्किंग है जो प्रॉपरली सही तरीके से चल रही है तो उसमें हो सकता है बहुत ही जल्दी वो भी रिपोर्ट्स हमें अब हमें मोबाइल पर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक हम जो रिपोर्ट्स देख सकते हैं वो कुछ इस तरीके की रिपोर्ट्स हैं हमारे पास में, हम इसको थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम आपको दिखा देते हैं जो जो रिपोर्ट्स हमें मोबाइल पर दिखाई देगी या जो जो हम रिपोर्ट्स देख सकते हैं, तो हम इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे,
भावना ट्रेडर्स पर आप एक मोबाइल के अलावा और काफ़ी सारे मोबाइल्स में भी इसको व्यू कर सकते हो। आप यहाँ पर टोटल रिपोर्ट्स जाके देख सकते हो सारी, हम इसको इस तरीके से एंगल्स में देखेंगे सारी दिखाई दे देगी हमें। तो ये फाइनल अकाउंट्स की रिपोर्ट्स पर हम जाके क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है, बैलेंस शीट्स है, रेशियो एनालिसिस है, ट्रायल बैलेंस है या फिर कैश फ्लो, फंड फ्लो, सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लेजर रिपोर्ट पर जाओगे तो लेजर की जो भी आउटस्टैंडिंग्स है, लेजर्स की पेमेंट परफॉर्मेंस है या स्टॉक्स मैनेजमेंट है तो वो सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाई देगी। वाउचर रिपोर्ट्स पर आप जाओगे, लेजर्स वाउचर पर जाओगे तो जितने भी आपके बुक्स में लेजर जो बने हुए हैं उसकी सारी की सारी लिस्ट आपको यहाँ पर शो कर देगा, जितने हम उस इस कंपनी में हमने डेस्कटॉप पर क्रिएट किए हैं। तो इस तरीके से हम सारा रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी। हम बैक बटन से वापस इसके एस्केप करते हुए वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड लिखा हुआ शो हो जाएगा, कनेक्टेड यानी कि अब आपके डेस्कटॉप पर भी नेट चल रहे हैं और आपके मोबाइल में भी ये नेट है जो चल रहा है, तभी आप इसको सही प्रॉपरली सही तरीके से एक्सेस कर पाओगे। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक देके जरूर जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।